just one update on the deaths. The latest figure is now 10. I just got the information that 10 people have succumbed. Friends, details coming from the spot ground will be shared with you as and when we get it. But experts are here. So any specific questions? Okay, 53. सर मैं रविकांत हूँ न्यूज़ नेशन से सर लॉकडाउन में ये जो छूट दिया गया है उसके बाद जो प्लीज दिस ब्रीफिंग इज ओनली फॉर दिस पर्टिकुलर पर्पस जस्ट फोकस ऑन दिस यस यस सर जो ये अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट हुआ है आगे भी बहुत सारी फैक्ट्रियाँ ओपन होंगी तो आप लोगों की तरफ से क्या गाइडलाइंस जारी की जाएगी ताकि इस तरीके के इंसिडेंट आगे ना हों See, on the chemical, biological, radiological, nuclear, CBRN safety, there are detailed guidelines put out by the National Disaster Management Authority. I think all of those guidelines have to be followed. वो सारी जो दिशा निर्देश जारी किए गए हैं अब तक वो लागू किए जाने चाहिए उसमें कोई नया बदलाव करने की जरूरत नहीं है हाँ जहाँ फैक्ट्रीज में कारखानों में प्लांट्स में लोग काम करते हैं वहाँ सोशल डिस्टेंसिंग मेजर्स उनके अपने ऑपरेशन के अंतर्गत किए जाने चाहिए लेकिन जहाँ तक केमिकल सेफ्टी का है सवाल है उस पर हमारे रूल्स रेगुलेशंस गाइडलाइंस बहुत क्लियर हैं उसको जैसे पहले हम रिग्रेसली इम्प्लीमेंट करते थे वैसे ही इंडस्ट्रीज को करने की ज़रूरत है 14 सर मेरा सवाल डॉक्टर गुलेरिया से है जो लोग वहाँ पे अस्पताल में हैं या फिर जो लोग अपने घरों में हैं क्या उनको अभी कोई विशेष हिदायत की ज़रूरत है या फिर वो निश्चिंत रहें कि अब कुछ उनको नहीं होने वाला है तो जो लोग वहाँ पे हैं उनको तो वहाँ से विलेजेस को इवैक्यूएट कर दिया गया है और उनको मॉनिटर किया जा रहा है कि उनको एनी जैसे मैंने कहा दो मेन इफेक्ट्स है रेस्पिरेटरी और CNS उसके कोई असर तो नहीं है जो हॉस्पिटल में लोग दाखिल हुए हैं जिनको कोई सिम्टम्स हैं चाहे वो इरिटेशन ही हो चाहे वो ब्रीदिंग डिफिकल्टी हो उनको भी क्लोजली मॉनिटर किया जा रहा है एंड देर इज़ ऑल्सो हाउस टू हाउस विजिट इन दैट एरिया टू सी कि कोई किसी और जो सराउंडिंग एरियाज में है किसी को कोई मेडिकल प्रॉब्लम तो नहीं है घर में एक तो एक्सपोजर आपको अंदर ही रहना एक्सपोजर अवॉइड करना है आउटडोर जो गैस है द गैस डजंट स्टे फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम अगर इरिटेशन हो तो वॉश करना है अपने आँखों को स्किन में अगर लगे इरिटेशन है तो उसको किसी टिश्यू से क्लीन कर सकते हैं पानी से धो सकते हैं और अगर सांस की तकलीफ हो या ड्राउजीनेस हो तो हेल्थ केयर फैसिलिटीज़ को इमीडिएटली कॉन्टैक्ट करना चाहिए 153 सर पॉलमी फ्रॉम इंडिया टुडे माय क्वेश्चन इज वन अबाउट द रेडियस ऑफ द एरिया फ्रॉम वेयर पीपल हैव बीन इवैक्यूएटेड सेकेंड क्वेश्चन इज अबाउट द ट्रीटमेंट दैट्स गोइंग ऑन इन KG हॉस्पिटल हाउ मेनी आर क्रिटिकल of those and also initial findings are suggesting a burst in the valve which was controlling the gas over there probably some semi experienced labor handled the situation as a result of which this incident happened could you throw some light on that so there are three questions the first part maybe DG and DRF can take well the incident as I said happened at 2:30 a.m. in the night so it was actually only the factory personnel who were there And it's a matter of investigation exactly what is the cause of the leakage. So that is under investigation. The local police has already started proceeding on in that direction. So we'll know that very soon, I think. But the evacuation has happened primarily in the nearby villages. Venkatpura is the first village which is most abutting the site. And then further villages were also intimated by the local administration just to be on the side of safety. And that's why those villages also were evacuated. So you could say in a radius of about three kilometers, the people were evacuated. 116. Sir, Brahma Prakash Dwivedi News. My question is Professor Guleria Ji. Sir, इम्पैक्ट है जो लोग भी प्रभावित हैं जिन जो जो परेशानियां हो रही क्या ये लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट भी करेगा क्या इसका किस तरह से प्रभाव देखते हैं कहीं भोपाल गैस ट्रेजडी की तरह लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट तो नहीं इसका रहेगा तो चांसेस ऑफ लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट आर लेस बिकॉज ये जो कंपाउंड है ये बॉडी से मेटाबोलाइज होकर जल्दी निकल जाता है द
दिस इज एन एक्यूट एक्सपोजर रादर देन अ क्रॉनिक एक्सपोजर बट वी विल हैव टू फॉलो अप एंड सी बट एज ऑफ नाउ द डेटा डजंट सजेस्ट अ सिग्निफिकेंट लॉन्ग टर्म इफेक्ट 60 सर एक छोटा सा क्लैरिफिकेशन था प्रणय उपाध्याय हूँ एबीपी न्यूज से कितने लोग क्रिटिकल हैं अभी आईसीयू में कितने लोग हैं वेंटिलेटर पे आपने कहा कि जरूरत पड़ती है कुछ लोगों को रखने की जो क्रिटिकल एक्सपोजर में हो तो ऐसे कितने लोग हैं इनिशियली जो सूचना मिली थी 20 से 25 लोग क्रिटिकल हैं लेकिन पहले सूचना थी कि वेंटिलेटर्स पर है लेकिन जो विशाखापट्टनम मेडिकल कॉलेज है उसमें कोई वेंटिलेटर पर नहीं है अभी तो ये खबर हम लोगों को अभी सुबह जो मीटिंग हुई है उसमें मिली तो हम लोग अभी और भी हॉस्पिटल्स में अगर पेशेंट्स हैं तो उसका हम लोग पर्टिकुलरली डिटेल्स ले रहे हैं लेकिन अभी जो सूचना है क्रिटिकल में 20-25 थे सुबह तक बट दे वर स्टेबल 35 और डेथ टोल अभी 11 हो गया अभी जो लेटेस्ट मेरे को कमांडेंट ने भेजा है 11 डेथ्स सर संदीप फ्रॉम न्यूज 18 इंडिया सर मेरा जानना था कि कितना अमाउंट ऑफ गैस जो लीकेज हुआ कितनी देर तक ये एटमोसफेयर में रहेगा कब तक ये डिजोल्व हो पाएगा एटमोसफेयर में और देखिए जो स्टायरीन गैस है जो मेंबर साहबान ने बताया उसमें जो टेक्निकल प्रॉपर्टी है वो है कि इट इज़ हेवियर देन एयर और वो पानी पड़ने पर वो नीचे आ जाता है और न्यूट्रलाइज्ड हो जाता है तो वहाँ पर काफ़ी स्प्रेइंग ऑफ वाटर हुआ है और इसलिए वो जो उसका जो इन्फ्लेमेबिलिटी है वो काफ़ी घट गया है दूसरी बात यह है कि जो टेक्निकल पेपर्स हमारे पास उपलब्ध हैं ये अब देखने की बात होगी इन्वेस्टिगेशन की बात होगी कि कितना एग्जैक्टली लीक हुआ है हाउ मेनी किलोज ऑफ गैस दैट इज़ अ मैटर ऑफ इन्वेस्टिगेशन बट ये तय है कि अब गैस का जो इंटेंसिटी है वो काफ़ी कम हो गया है हम लोगों को ध्यान देना होगा कि लीकेज जो है 2:30 बजे रात से ही शुरू हो गया था और काफ़ी अंतराल पार हो गया और जो हमारे पास जो भी टेक्निकल पेपर्स उपलब्ध हैं उसमें ये दर्शाया गया है कि 6.5 से 7 घंटा इसका ज़्यादा असर रहता है तो मुझे लगता है कि वो असर का समय काफ़ी कम हो गया है और हम लोग उम्मीद करते हैं कि आगे आगे असर और कम होता जाएगा लेकिन हम लोग कॉन्स्टेंट वॉच कर रहे हैं लेकिन लोगों को घबराने की ज़रूरत नहीं है मैसेज ये है कि द सिचुएशन इज़ अंडर वॉच एंड क्लोज मॉनिटरिंग एंड वी विल बी देयर टिल एवरीथिंग इज सेफ लास्ट क्वेश्चन 55 सर मैं नीरज हूँ एबीपी न्यूज़ से मेरा सवाल है मेंबर एनडीएमए से सर पीएम की बैठक हुई जब आज सुबह तो पीएम ने आप लोगों को क्या निर्देश दिए क्या बातें हुई उनकी तरफ से क्या कहा गया पीएम की मीटिंग में सबसे पहले तो उन्होंने जायजा लिया कि ऑन द ग्राउंड क्या हुआ क्या केमिकल है उसकी क्या एंटीडोट है या नहीं है और क्या उसके लिए बचाव कार्य में क्या काम होना चाहिए और एहतियाती तौर पर क्या काम होना चाहिए और उसके लिए हम केंद्र सरकार की ओर से जो हमारी टीमें आंध्र प्रदेश में हैं सिर्फ वो ही नहीं देश के और हिस्सों से भी हम क्या रिसोर्सेज मोबिलाइज कर सकते हैं जिससे जैसे कि डीजी एनडीआरएफ ने कहा कि जो स्टायरीन गैस है वो 6-7 घंटे तक रहती है उसका डिकंटेमिनेशन के लिए क्या एडवाइस देनी है वो देश के किस इंस्टीट्यूशन में उपलब्ध है उसको कैसे जल्दी से जल्दी मोबिलाइज करके ग्राउंड पे उपलब्ध कराया जाए इस बारे में उन्होंने दिशा निर्देश दिए और उसी उन्हीं दिशा निर्देशों के अनुसार हम लोग काम कर रहे हैं थैंक यू वेरी मच फ्रेंड्स थैंक यू